मिलन जुदाई तरुआ ढेर देखले हो कब संसार में, बाकी तो पहला हाल ही लोकल हमारा सियासी बाजार में। गोर लगा हेरा से अभिनंदन वर बोलो के अपना कार्यक्रम चुना के नाम हो खुटा ठोक के। लगातार रुआ लोग के आशीर्वाद और प्यार मिलत है, सहयोग भी मिलता। एक खातिर एक खाली फिर से रुआ लोग के करबत प्रार्थना और प्रणाम भी करतनी, धन्यवाद भी देतनी, और रुआ लोग के ई प्यार बहुत दूर तक लेके जाइए अपना भारत लाइव के। आज के जो संदर्भ लेके बैठल बनी, उस संदर्भ रुआ लोग ढेर दिन से देखो तो कब कि सियासत में कहल जात रहे कि अस्थायी दोस्त अस्थायी दुश्मन केहू ना होके, और सियासत के कोनो मानक नियम ना होकला कि हिनका संगे संविदा भइल तो उनके संगे रहब, उनका संगे संविदा भइल तो उनके संगे रहब। एकरा में आपन आपन फायदा स्वार्थ और इच्छा देखल जाला, ए इच्छा पर सब कुछ कुर्बान हो जाला। लगातार एगो चीज रुआ देखले हो कि पिछला 15 साल से रुआ अभ्यस्त हो गई रही दूगो चेहरा सामने सामने देखे के। बिहार के राजनीति में ये दूगो चेहरा जब देखब तो एक संगे रुआ नजर आई, लेकिन पिछला कुछ समय से यह बात के अटकल लागत रहे कि दोनों के अलग अलग करे के प्रयास बड़ी जबरदस्त तरीका से चल रहा बा, और ऐसा हो भी गई। हमनी के भी लगातार कहत रही, या सब लोग दावा करते रहे कि ऐसा हो ही ना सकेला कि अगर NDA के सरकार बने तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी के जोड़ी के केहू भगड़ा देवे, लेकिन अब के हाल ऐसा हो गई और ये अब बुझाता कि अस्थायी रूप से हो भी जाए। कारण बा कि सुशील मोदी के फैसला अब केवल सुशील मोदी के ना करे करला। अक्सर सुशील मोदी अपना कद और पद और अपन कृति से अपन इतना मजबूत खूटा गढ़ले रहन तो ओकरा एक कबारे वाला शायद कोई ना रहे, लेकिन अब के हाली 2020 के चुनाव से पहले ये पूरी तरह से पानी डाल करके और अलग अलग तरीका से खूटा के हिला डोला करके और कमजोर कैल गए रहे, जना से कि चाहे जितना भी मजबूती से दोनों जना खूटा धर के बैठ रहस लेकिन खूटा कबरिए जाए, और ऐसा हो भी गई। ये दर्द छलकल तब जब पहला हाली सुशील मोदी के बिना मंत्रालय के शपथ ग्रहण भइल, और शपथ ग्रहण भइल ओकरा पहले ढेर खेला भइल। सुशील मोदी बड़ी खिसियाई रहन, बाद में उनका के मान मनोबल भी कर गई। मंच पर खड़ा सुशील मोदी के आँख खोजत रहे नीतीश कुमार के। जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त भइल तो अचानक से दोनों नजर अइले, लेकिन उ गर्वजोशी वह बहुत हल देखले हो कब उ नजर ना आई। एक बार फिर आज जब दोनों एक संगे भेटैले हा तो दर्द छलकल हा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरा से, और नीतीश कुमार कहले हा और उनका घात जो उनका संगे भइल बा उहो उनका चेहरा पर नजर आवत रहे, और ये बुझात रहे कि बड़ी आहत बढ़ने एकरा से। हालांकि बहुत कुछ कहले हा सुशील मोदी के आगे बढ़े खातिन और बड़ा पद मिले खातिन सब कुछ खातिन धन्यवाद भी दिले हा बधाई भी दिले हा, लेकिन बधाई में वो जो टसन होला वो टसन ना रोला, कहीं ना कहीं वो कमी नजर आवत रहा उनका। कहल जात रहे कृष्ण सुदामा के तरह के जोड़ी बाई, राम बलराम के जोड़ी बा, जय बीरू के जोड़ी बा, बड़ी उपमा दिहल जात रहे, और कहल जात रहे कि लोग हिला ना सकेला कोई। ऐसा भइल भी 2015 में रुआ देखले हो कब कि का कुछ भइल। चुनाव हारला के बाद भारतीय जनता पार्टी तो अपना थिरा के बैठ गए रहे, लेकिन सुशील मोदी मात्र 2 साल से भी कम वक्त में फिर से अपना यारी और दोस्ती के साथ, और नीतीश कुमार भी साथ बात मान ले, और संगे संगे फिर से दोनों एक गति में हो गए लोग। लेकिन अब की हाली भारतीय जनता पार्टी के जो सुशील मोदी विरोधी खेमा बा वो पूरी तरह से एक्टिव रहला। रुआ एगो बात भी देखले हो कब कि उड़ते उड़ते रुआ लोग खबर ही पहुँचल है, भारत लाइव भी खबर देखल रहे रुआ से कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कोटा से उप मुख्यमंत्री दू गो बनल बा लोग, एक सुशील मोदी खातिर और उनकर पद के भरे खातिर उनकर कमी पूरा करे खातिर दू लोग के जरूरत पड़ल। एकर मतलब बा कि सुशील मोदी के कद बहुत बड़ा रहे, लेकिन ये सब में जब सवाल पूछल गई तारकिशोर प्रसाद से तो तारकिशोर प्रसाद कहीं ना कहीं झेप गई ले और कहले कि केंद्रीय नेतृत्व ये सब के फैसला करेला। सुशील मोदी के काम के आगे बढ़ावे के बात जरूर होता, लेकिन सुशील मोदी अब दिल्ली खातिर टिकट कटा चुके बहुत प्रयास के बाद, ऐसा बुझाता कि निर्विरोध चुनल जी हैं। कारण कि
रामकृपाल यादव भी है बीच में जन कहले देख सकिले रुआ भारत लाइव पर खबर लागल बा। रामकृपाल यादव के कहना रहे कि उनका लगे कोनो महागठबंधन लगे कोनो हिम्मत ही नहीं ना आंकड़ा बा ना कुछ बा, फिर खाली मुंह के खाए कोई तभी न आगे बढ़ी लोग। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी से बड़ी आहत नीतीश कुमार आगे का एक्शन ली है ए पर अब प्रश्न और सवाल के रेखा जोन बा घिंचाए लागल बा। कहीं ना कहीं मंत्रालय और मंत्रिमंडल में सामंजस्य के जोन बात हुई और जितना कंफर्टेबल सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार रहन शायद उतना ना हो सके हैं। और एक साथ साथ एक और बहुत बड़ा बात हो गई बा कि नीतीश कुमार के सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा इंसाइडर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में होखे वाला हर फैसला सुशील मोदी के कान तक आवत आवत उनका मुंह से नीतीश कुमार तक पहुंच जाते रहे। अब एकरा से नीतीश कुमार वंचित हो जी हैं कारण कि अब इनसाइडर के कमी हो गई बा। हालांकि अभी भी कहल जा रहा बा कि प्रतिछाया सुशील मोदी के मंगल पांडे हवे, लेकिन मंगल पांडे और सुशील मोदी में बहुत अंतर बा। चूँकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के राजनीतिक शुरुआत एक ही क्लास में भई रहे जना घड़ी याद हो रोल के कि अश्विनी कुमार चौबे, लालू प्रसाद, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, इस सारा लोग के एक ही गट्टी रहे, एक साथ लोग राजनीति के शुरुआत थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे करके लोग कर रहे और इस सारा लोग के एक ही पाठशाला में पढ़ला से सब एक दूसरा के समझे और परखे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते रहे लोग। अब देखे वाला बात हुई कि नीतीश कुमार अपना के कितना कंफर्टेबल महसूस करते रहे इस सरकार में। एक तो आंकड़ा उनका लगे कम बा और दूसर का तरफ से भारतीय जनता पार्टी जना तरीका से नया नया एक्ट कर रहा बा वो एक्ट के लेकर के नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कुपित बाड़े और ये कुपित बाड़े तो ये बात उनका चेहरा से नज़र भी आ जा रहा बा। फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी तो निभावे के पड़बे ना करी, राज्य के मुख्यमंत्री बाड़न और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बाड़न तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जब जब बुलाहटा आई तो उनका जाए के पड़ी। लेकिन ये फॉर्मेलिटी मान के चली जौन हुलस पहले रहे रुआ खाली उठा के देखी ना रुआ 2017 के जनगरीब मंत्रालय के मंत्री पद के शपथ लोग लेते रहे तौना घड़ी स्टेज के सीन देखी, 2020 में स्टेज के सीन देखी और 2015 के स्टेज के सीन देखी, ओकरा पहले के भी सीन रुआ देखी, सब रुआ जब देखब आ जब मानस पटल पर रुआ आई तो रुआ समझ में आ जाए कि 2020 में का कमी रह गई बा। एक कमी के पूरा करे खातिर नीतीश कुमार प्रयास तो बहुत करता रहे और ये प्रयास दुए तरह से हो सकेला, या तो नीतीश कुमार दिल्ली चल जास फिर सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक साथ दिल्ली में रहस बिहार के राजनीति वजह से होके बिहार के विकास के बात होके, या फिर हार थाक के नीतीश कुमार के साथे फिर से आ जास सुशील मोदी। देखिए बिहार के राजनीति में बहुत कुछ अभी होना बाकी बा, जब जब हम बात कही ले तो बहुत लोग के आपत्ति भी होला, लेकिन जब महीन लकीर पर हुआ चलो 5 इंची के देवाल पर हुआ खड़ा होकर जब दौड़े लगो तो गोड़ बिछ लेबे न करी, देवाल 5 इंची के बाद अब एकरा के रुआ हिलाई डोलाई आ चाहे जैसे भरभरावे को के भरभराई आ चाहे ऊपर देवाल पर रुआ है कोना से वो कोना आर पार करी, बैलेंस रुआ बनावे रखे बा, कैसे बैलेंस बना के चलो ये रुआ बबा। लेकिन इतना तो तय बा कि नीतीश कुमार बड़ी आहत बाड़न भीतर भीतर, उनका चेहरा के भाव और शब्द जो निकलता दोनों यह बात के चुगली कर रहा बा कि नीतीश कुमार ना चाहत रहे हैं कि सुशील मोदी के साथ छूटो, उनका साफ कहना बा, दूसरा बारी बात रिपीट कर लिया है और जब बात के बार बार रिपीट कर जाला तो एक मतलब बा कि बात में वजन और दम दोनों बा, कहीं ठक से हैजा लागल बा। पहला हाली ना दूसरा हाली कहले है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसला है और पार्टी के फैसला खुद पार्टी वाला लोग करी, हमारे में कोनो दोष है चाहे हमारा फैसला लेवे के कोनो अधिकार ना रहला, यानी कि वो अपन मजबूरी दर्शा रहा बड़े। और ऐसा स्थिति में जब नीतीश कुमार ज़्यादा मजबूर होले तो वो जानते बानी राजगीर जाले और राजगीर जाकर के सोचे ले आ के लौट गया गिल बड़े, फिर राजगीर जाए के जरूरत पड़ी कि ना पड़ी ये तो वक्त बताई। लेकिन बिहार के राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी बा, हमने के तो यह आशा करब जा कि 5 साल तक ले सरकार बहुत मजबूती के साथ चलो और बिहार के विकास को 19 लाख लोग के रोजगार मिलो और एक साथ साथ 19 लाख का है 39 लाख के मिलो 1 करोड़ के मिलो, हमने के तो यह चाहब जा। कैसा लागल ये विश्लेषण जरूर बताई सब है ऐसे कि आखिरकार ये पूरा फैसला के असर रहुए पड़े के बाद। जुड़ रही सब भारत लाइव के साथ और खबर के लगातार देखत रहीं, शेयर करत रहीं, अपना साथी दोस्त हित मित्र के घर तक पहुँचावत रहीं, उन लोग से सब्सक्राइब करवावत रहीं और संगे संगे सहयोग राशि भी
देवे खातिर आग्रह कर सकिले रुआ। चूँकि रुआ यह परिवार के हिस्सा बानी तो निश्चित रूप से रउरो जिम्मेवारी बनता कि परिवार के कैसे साँच के लड़ाई में आगे ले चलब। UPI नंबर दिहल बा, अगर कोनो और भी बात जानकारी रुआ लिहल चाहतनी तो नंबर भी बा 72775603 7277-65303 एकरा पर रुआ फोन भी कर सकिले और एकरा साथ साथ यह नंबर पर रुआ व्हाट्सएप भी कर सकिले। अगर वह हमी संगे मेल से बात कर चाहतनी तो editornewsbihar@gmail.com एकरो पर हुआ हमनी के मेल कर सकिले, अपन विचार दे सकिले और खास करके खबर के माध्यम से रुआ जरूर जुड़ रही और अपन विचार जरूर कमेंट के माध्यम से लिखी। फिर काल भेंट हुई यही ठेप जनक नाम कुटा ठोक के गोर लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।